हेलो एवरीवन, स्टडी डे में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप बीच में से छोड़ देंगे तो पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। आपके दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारे उदाहरण आपको दूंगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि बाल्टी में सिक्का यदि गिर जाता है तो आपको लगता है कि सिक्का बहुत गहरे में नहीं है, उसको हम जल्दी से हाथ डाल के निकालेंगे, यानी कुछ वो वास्तविक तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या स्विमिंग पूल हो या तालाब हो, अगर पानी पूरी तरह से स्वच्छ है तो जो उसकी वास्तविक गहराई होती है वो हमें पता नहीं चल पाता है। और कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत कम गहरा है और हम कूद जाते हैं और पता चलता है कि अरे बाप रे, तो धोखा हो गया। तो ऐसा कई बार होता है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, और कैसे होता है इसको हम समझेंगे बहुत ही विस्तृत रूप से, वीडियो पर बने रहिएगा। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होगी। वो माध्यम एक सघन माध्यम होगा, दूसरा विरल माध्यम होगा। सघन को हम डेंसर मीडियम कहते हैं और विरल को हम रेयर मीडियम कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको समझना है। एक मीडियम हमने मान लिया कि ये सघन है, यानी इसको हम डेंसर मान लें, और इसको हम विरल मान लें, यानी इसको हम क्या, देखिए डेंसर का मतलब ये हो गया कि ऐसे माध्यम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया कि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे कंपैरिजन दूसरे वाले मीडियम के। देखिए यहाँ पर दो घटनाएँ होती हैं। एक, जब कोई भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी डेंसर से रेयरर में जाएगा, या एक बार ऐसा भी होगा कि रेयरर से वो डेंसर में जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसे देखिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, समझने के लिए कि लाइट का पाथ था वो पाथ कितना डिस्टर्ब हुआ है, उसे समझने के लिए हमने एक नॉर्मल खींच लिया हुआ है। ये नॉर्मल टेढ़ा है थोड़ा, इसको सही कर लेते हैं। देखिए भाई, ये डेंस है, इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। जब ये आएगा यहाँ पर टकराएगा, क्योंकि ये अपने मीडियम में जा रहा था, तो अब ये होगा क्या कि ये जो अपने, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हुआ क्या, वो नॉर्मल की तरफ झुक गया। दूसरा, यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर सघन है और इधर विरल, ये डेंसर और ये रेयरर, यहाँ पर से कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब डेंसर से वो रेयरर में जाएगा, एक बार यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींच लें ताकि पता चलेगा कि इतना इसका पाथ डिस्टर्ब हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसको जाना तो चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये चला गया इस तरह, यानी ये नॉर्मल से दूर हट गया। तो देखिए, ये पहली घटना, यानी फर्स्ट फिनोमिना, और ये सेकेंड फिनोमिना। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए हम दो माध्यम लेंगे, यानी दो मीडियम, एक डेंसर और एक रेयरर। डेंसर की खास बात क्या होती है कि इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, यानी इस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन में दूसरे वाले मीडियम से, और दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि एक बार लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, और दूसरी बार लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी। तो होता क्या है कि जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो क्या होता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी अपना पाथ चेंज करके वो और नज़दीक आ जाती है। लेकिन डेंसर में क्या होता है कि जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल से, अब देखिए यहाँ इसको जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल से दूर हो जा रही है। तो अब इसको याद कैसे करें, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए, आप समझिए, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, अगर सड़क खाली हो, मतलब क्राउड ना हो, तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, आप तेज चलाएंगे, बहुत जल्दी से निकल जाएंगे। इसका मतलब कि जो क्राउड होता है वो एज अ डेंसिटी मान लेते हैं, तो डेंसिटी कम है, तो जब क्राउड नहीं है तो आप बहुत तेज़ी से जाएंगे, तो जब तेज़ी से जाएंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन जब खचाखच भीड़ भरी हो, बहुत ज़्यादा क्राउड हो, तो उसमें क्या होता है कि आप कितना जल्दीबाजी करें, आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो ज़्यादा समय के बाद भी आप बहुत कम डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये क्राउड समझ लीजिए और ये खाली रास्ता समझ लीजिए।
तो जब ये क्राउड में आता है, यहाँ से तो आया ठीक, लेकिन जब ये क्राउड में आया तो जाना चाहता था अपनी स्पीड से, लेकिन भाई क्राउड होने की वजह से अब इसको मुड़ना ही पड़ेगा। मतलब इसकी स्पीड धीरे होगी, तो जब स्पीड धीरे होगी तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब हम ये समझ लें कि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। दूसरा, यहाँ पर देखें, ये भीड़ भाड़ में से भीड़ भाड़ से आ रहा था, और जैसे ही भीड़ ख़त्म हुई और क्या हुआ, स्पीड बढ़ा करके तुरंत निकल गया और बहुत दूर चला गया। इसका मतलब वो अभिलंब से यानी नॉर्मल से दूर हो गया। ये समझने का एक माध्यम था। मुझे लगता है कि अगर आप इसको समझ लेंगे इस तरह से तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे हम देखते हैं कि अब तो आपको जवाब पता हो गया होगा कि अगर कोई बाल्टी है, बाल्टी के अंदर सिक्का रख दें हम, और सिक्का कुछ अपने तली से उठा हुआ दिखाई देता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। और यही रीज़न होता है कि जब किसी बाल्टी में हम छड़ को, तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। जैसे ये बाल्टी में पानी भरा हुआ है, और ऐसे ही हम कुछ लकड़ी इसमें डालते हैं, लकड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जबकि ये होना चाहिए था इस तरह का। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमा टिमटिमाना भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके कई लेयर हैं, यानी कभी डेंस कभी रेयरर, कभी डेंस कभी रेयरर। तो जब लाइट स्टार से आती है, डेंसर रेयरर डेंसर रेयरर हो के आती है, तब हमारी आंखों पर पड़ता है, तो इसी की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। एक्चुअली में तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं, लेकिन हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद, यानी करीब 1 से 2 मिनट। अब देखते हैं कि सूर्योदय जब होने वाला होता है तो उसके पहले से ही हमें ऐसा आभास हो जाता है कि सूर्योदय हो चुका है, या जब तो सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन फिर भी 1 से 2 मिनट तक हमको सूर्य दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल याद है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।